गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अपना टॉपिक समास जो है कंटिन्यू फिर से करते हैं। टॉपिक क्या था हमारा? समास। समास में जो है मैं आपको अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास दो समास करवा चुकी हूँ। आज तीसरा समास करेंगे हम द्विगु समास। कौन सा करेंगे? द्विगु। देखो, अगर हम इस समास की जो डेफिनेशन है वो इसी के अंदर है। द्विगु का विग्रह क्या होगा? द्वि प्लस में गु। द्वि प्लस में गु, द्वि का अर्थ क्या है? दो, और गु मीन्स गाय। अब हिंदी में जो है वचन दो ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगर एक गाय है तो वो एक वचन थी, एक से अधिक हो गई तो बहुवचन हो गई, क्या हो गया? वो समूह हो गया। तो दो गायों का समूह अगर इसका विग्रह करें तो क्या हो जाएगा? दो गायों का समूह। अब देखो, पहला पद ये हो गया और दूसरा पद ये हो गया। आपको समास में मैंने कितने पद बताए थे? दो, पूर्व पद और उत्तर पद। तो पहला पद ये है और दूसरा पद ये है। अब इस समास की डेफिनेशन क्या होगी? जिस समास का पहला पद या पूर्व पद या पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो। क्या हो? संख्यावाची। और उत्तर पद या दूसरा पद, हम इसको दूसरा ही लिख देते हैं उत्तर पद की जगह, दूसरा पद क्या हो? एक समूह का बोध कराए, एक समूह का बोध कराए। ये हो गई आपकी द्विगु समास की डेफिनेशन। तीन समास करवाए, तीनों बिल्कुल अलग हैं। अव्ययीभाव की बिल्कुल अलग पहचान, तत्पुरुष के अलग, द्विगु के अलग। द्विगु की तो डेफिनेशन ही आपके समास के अंदर होती है, द्वि प्लस गु, दो गायों का समूह। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जिस समास का पूरा पद संख्यावाची हो और उत्तर पद एक समूह का बोध कराए उसे हम द्विगु समास कहते हैं। या अपनी लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं? जिस समास का पहला पद संख्यावाची, पूर्व पद आपको याद नहीं रहता तो पहला पद संख्यावाची, उत्तर पद को आप क्या कह सकते हो? दूसरा। और दूसरा पद एक समूह का बोध कराए उसे हम क्या कहेंगे? द्विगु समास। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब देखो, मैं आपको जो है कुछ एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ कि कैसे जो है। देखो, तिरफड़ा। अब संस्कृत में 10 तक काउंटिंग आती होंगी आपको। आप 5th में जो है संस्कृत पढ़ना शुरू कर देते हो, एक है, दो उतरे, चतवार है, पंच, सठ, सप्त, अष्ट, नौ, दस, ठीक है। त्रि क्या होता है? तीन फलों का समूह। सत्सई, विग्रह क्या हो जाएगा? 700 दोहों का समूह। चवन्नी, चार आनों का समूह। चौराया, चौराहा, चार राहों का समूह। देखो, कल जब मैंने आपको तत्पुरुष करवाया था तो उसमें बताया था कि का के की जहां आ जाए वो संबंध तत्पुरुष होता है। अब देखो, यहां हर जगह का आ रहा है, लेकिन एक पहचान और भी देखो, पहला पद हर जगह संख्या है और जो आपका उत्तर पद या दूसरा पद क्या है? समूह है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। अष्टाध्यायी, आठ अध्यायों का समूह, दो पहरों का समूह, नवरात्र, नौ रात्रियों का समूह, पंजाब, कई बार ये आपका जो है आ जाता है पंजाब, पांच आबों का समूह, पंच प्लस में आब, अगर आप इसका विग्रह करते हो तो पंच प्लस आब ये बनता है आपका पंजाब। तो पंच क्या हो गया? पांच आबों का समूह। अब आब क्या होता है? नदी। आब क्या होता है?
नदी, पांच नदियों का समूह, मतलब पांच नदियां जो है पंजाब में आकर मिलती हैं, इसलिए जो है उनके नाम पर ही इसका नाम पंजाब रखा गया है, क्योंकि पांच नदियों का संगम जो है पंजाब में होता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, पंजाब। शताब्दी, 700 अब्दों, अब्दों क्या होता है सालों का, 100 सालों का समूह। त्रिफड़ा हो गया आपका जैसे चौराया, अठन्नी आठानों का समूह। इसके अलग जो है आपका जैसे त्रिलोकी, तीन लोकों का समूह, दो पहर दो पहरों का समूह, चारपाई चार पैरों का समूह, पंसेरी जिसको आप पैसेरी बोलते हैं ना, वो हिंदी में क्या है, पंसेरी, ऐसे लिखा जाएगा पंसेरी, पांच शेरों का समूह, शेर मतलब किलो, ठीक है। आपका जैसे त्रिभुवन, तीन भवनों का समूह, दशानन दश आननों का समूह। एक और इसकी विशेषता है कि जैसे सत्सई है, अष्टाध्यायी है, दशानन है, इनका विग्रह दो तरह से हो सकता है, सात सौ दोहों का समूह है, तो ये जो है सत्सई बिहारी की एक रचना भी है, सात सौ दोहे हैं जिसमें, अर्थात बिहारी की एक रचना। अष्टाध्यायी, आठ अध्यायों का समूह, अर्थात पाणिनि की एक रचना, आठ है अध्याय जिसमें, जिसमें करते ही थर्ड पर्सन जो है, थर्ड जो है वहां पर तीसरा पद प्रधान हो जाता है, वो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा। दशानन, दश आननों का समूह क्या हुआ, द्विगु, और दश है आनन जिसके, आनन मतलब मुख, अब दस मुख किसके हैं, आपके रावण के, तो रावण आते ही वहां क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा द्विगु समास, अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं।